नमस्कार, सिटी विजन चैनल में मैं शालीमार आपका स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। बंजारा हिल्स के एक स्टार होटल में भारी चोरी घटना देर से प्रकाश में आई। लाखों के सोने के जेवर चोरी हो गए। 22 सितंबर को अहमद बेग नाम का शख्स बंजारा हिल्स के पार्क हयात में मुंबई से आकर रुका था। अहमद बेग 24 सितंबर को पार्क हयात होटल में एक वीआईपी काम के चलते सोमाजी गुड़ा के पार्क होटल में शिफ्ट हो गए। हालांकि 25 सितंबर को उन्होंने पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उनके गहने गायब है। शिकायत के अनुसार 10.36 ग्राम हीरे का कंगन, 35 हीरे, 3.61 ग्राम हीरे की अंगूठी जिसमें 89 हीरे, 5.18 ग्राम का मंगलसूत्र, सोने की चैन और झुमके चोरी हो गए। पंजागुट्टा क्राइम पार्टी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। दरअसल पार्क हयात होटल से चोरी हुए थे जेवर। यह सोमाजी गुड़ा से पार्क होटल से आभूषण चोरी हो गए थे, यह पता नहीं है। पंजागुट्टा अपराध पुलिस ने विभिन्न कोनों से जांच शुरू कर दी है। हैदराबाद शहर में यह पता लगाना मुश्किल हो गया है कि किस तरफ से किस तरह का खतरा आ रहा है। खासकर शहर में आग लगने की घटनाएं हो रही है। हाल ही में बालानगर मेट्रो स्टेशन के पास चलती कार में आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही कार सवार तुरंत उतर गए। स्थानीय लोगों ने भी राहत की सांस ली कि बड़ा खतरा टल गया। बाद में दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। हैदराबाद के कुकड़पल्ली पुलिस स्टेशन की सीमा में हादसा हो गया। APSRTC की बस की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। यह सड़क हादसा उस वक्त हुआ जब बस KPHB से कुकड़पल्ली की ओर आ रही थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। भारी बारिश से जहां एक तरफ तालाब और छोटी नदियां उफान पर होती है, दशहरे का दिन अवकाश होने पर बच्चे और युवा मौज मस्ती करने में मशगूल रहते हैं। इस दौरान कुछ बच्चे या युवा अपनी जान गवा बैठते हैं। माता पिता का दिल टूट जाता है। हाल ही में दो और युवक तैरने गए और उनकी जान चली गई। शमशाबाद के नानाजीपुर के पास बहने वाली छोटी नदी में तैरते समय दो युवकों की डूबने से मौत हो गई। सुबह दो युवक नदी में नहाने गए थे। मृतकों की पहचान जुगल के महेंद्र और नदीम के रूप में की गई। पीड़ितों के माता पिता फूट फूट कर रो रहे हैं। हैदराबाद के मुशीराबाद पुलिस स्टेशन की सीमा में हादसा हुआ। भानु प्रसाद नाम के लड़के की बिजली का शॉक लगने से मौत हो गई। मुशीराबाद पुलिस स्टेशन की सीमा में 44 बस स्टॉप के पास गंगापुत्र सोसाइटी स्थल चौकीदार बालचंदर की तीन बेटियां हैं। पुत्र भानु प्रसाद बतकुम्मा उत्सव के दौरान जमीन पर बनी पानी की टैंकी में गिर गया और सद्दुल्ला बतकुम्मा में लगाए गए बिजली के तारों को छू गया। इससे बिजली का शॉक झटका लगा। गंभीर रूप से घायल होने पर लड़के को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। इससे परिवार में शोक बना रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। पुलिस ने तीन ईरानी नागरिकों को गिरफ्तार किया है जो पर्यटक वीजा पर भारत आए और मेदक जिले में चोरी कर रहे थे। जब पुलिस
रामायण पेट राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की जांच कर रही थी तो एक कार में 3 व्यक्ति संदिग्ध पाए गए। उन्हें तुरंत हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई। पुलिस ने कहा है कि आरोपियों ने खुलासा किया है कि उन्होंने रुपए चुराए थे। जिला एसपी ने बताया है कि इनके पास से अमेरिकी डॉलर और ईरानी रियाल सहित 95,000 रुपए की भारतीय मुद्रा जब्त की गई। भुवनगिरी जिले के आलेरू उपनगर में उड़ीसा से महाराष्ट्र में गांजा ले जा रहे एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 900 किलो गांजा और 5 सेलफोन बरामद किए गए। गांजे की ढुलाई कर रहे DCM वाहनों को जब्त कर लिया गया है। रचागोंडा CP महेश भागवत ने बताया है कि जब्त की गई संपत्ति करीब 2 करोड़ रुपए की है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी बिना किसी संदेह के नारियल लदे लोड में गांजा ले जा रहे थे। इस मामले में 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 फरार होने में सफल हुए। हैदराबाद में भारी तबाही की साजिश के मामले की जांच में पुलिस को सनसनीखेज तथ्य सामने आए हैं। पुलिस ने पाया कि हमले की योजना पाकिस्तान में बनाई गई थी। तकनीकी की मदद से पाकिस्तान की सीमा से ड्रोन के जरिए हथियारों को भारत पहुंचाया गया। मुसाराम बाग के अब्दुल जाहिद को धमाकों से तबाही मचाने के लिए चुना गया था। जांच में पता चला है कि फरहतुल्ला गौरी, जो 20 साल से छुपा हुआ है और पूरे देश में आतंकवादी हमले कराता रहा है, उसने विस्फोटों को अंजाम देने की साजिश रची है। पाकिस्तान से वीडियो भेजने वाले गौरी ने आतंकियों को तैयार किया। उन्होंने भड़काऊ भाषणों से हमले के लिए उकसाया। पता चला है कि भाजपा और RSS के नेताओं को अब्दुल जाहिद, मोहम्मद समीउद्दीन और माज हसन ने हैदराबाद शहर में त्यौहार को निशाना बनाकर नरसंहार की साजिश रची। SIT और टास्क फोर्स पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर भेज दिया गया। तीनों आरोपियों में अब्दुल जाहिद 22 साल से आतंकी गतिविधियों से जुड़ा है। महमूद समीउद्दीन और मजा हसन फारूक उनके भाषणों से उग्रवाद की ओर लोगों को आकर्षित करते रहे। वर्ष 2018 में ISIS में शामिल होकर सीरिया जाने को तैयार 2 लोगों को मुंबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। तीनों स्थानीय युवकों को अपनी ओर आकर्षित कर आतंकी संगठनों में भर्ती किया गया। पुलिस जांच ने पुष्टि हुई कि टेररिज्म के लिए फंडिंग पाकिस्तान से हो रही है। शहर में हथगोले कौन लाए, वे किस तरह से लाए गए, पुलिस इसके पीछे के मामले की जांच कर रही है। पाकिस्तान में छिपा 62 वर्षीय फरतुल्ला उर्फ अब्बू मोस्ट वांटेड आतंकी है। वह केंद्र द्वारा घोषित व्यक्तिगत आतंकवादियों की सूची में से एक है। सैदाबाद में कुर्मगढ़ा उसका मूल स्थान है। गौरी एक अल्पसंख्यक संगठन में काम करता था और वर्ष 1981 में संगठन से बाहर आया। वह सऊदी अरब गया और वहाँ से वह लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद संगठनों में काम करता रहा। वह देश में कई बम धमाकों का मास्टरमाइंड था। हाल ही में गिरफ्तार अब्दुल जाहिद का भाई माजिद उसका निजी सहायक है, जो पाकिस्तान शिफ्ट हो गया है। जाहिद ने बांग्लादेशी दालिन को रहने की व्यवस्था की, जिसने वर्ष 2005 में टास्क फोर्स कार्यालय पर आत्मघाती हमला किया था। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी वर्ष 2017 में जेल से छूटा था। 12 साल से जेल में बंद जाहिद बाहर आने के बाद वेल्डिंग की दुकान और सिलाई के कारोबार से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। लेकिन जाहिद ने सोचा कि उसने आतंकवाद को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन 2 साल बाद उसने पुराने संपर्क फिर से शुरू कर दिए। जैसे ही उसका भाई माजिद पाकिस्तान में उपलब्ध हुआ, उसने समान विचारधारा वाले युवाओं का चयन किया। पाकिस्तान की ISI आतंकी संगठनों के इशारे पर अपनी गतिविधियों जारी रखे हुए हैं। उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखने वाली केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने शहर की पुलिस को सतर्क कर दिया और आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। ग्रेनेड की भर्ती, परिवहन, विस्फोट की साजिश को रोकने के लिए आतंकवादियों ने काफ़ी सावधानी बरती है। निगरानी एजेंसियों और पुलिस द्वारा पता लगाने से बचने के लिए एनाक्रिप्ट ऐप का इस्तेमाल किया गया। इसके माध्यम से वे समय समय पर कोड भाषा में संवाद करते थे। फिलहाल पुलिस एनक्रिप्ट ऐप में पाकिस्तानी ISI आतंकी संगठनों के साथ शेयर किए गए कंटेंट और चैट की डिकोड करने का काम कर रही है।
पुलिस उन लोगों को ब्यूरो जुटा रही है जिन्होंने इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देने के मदद की है। विश्वसनीय जानकारी के अनुसार लगभग 20 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। खबर है कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और जांच एजेंसियों इस बारे में गहराई से पूछताछ कर रही हैं। पाकिस्तान से कश्मीर पहुंचे ग्रेनेड को शहर में कैसे और कौन लाया, इसके बारे में विवरण आ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि वे युवाओं को उन मुद्दों से अवगत कराएंगे जो उन्हें इस तरह के आतंकवादी हमले करने के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें उस दिशा में जाने से रोकने के लिए कदम उठाएंगे। निवेश उनका सहारा है, आश्वासन उनकी कमजोरी है। वे अच्छी नौकरी देने का लालच देते हैं, लाखों रुपए वेतन देने का झांसा भी देते हैं। लोग बिना तथ्यों को जाने ठगी करने वालों के जाल में फंस जाते हैं। कुछ दिनों के बाद उनका शोषण शुरू हो जाता है, उन्हें टारगेट दिया जाता है, बेरोजगार युवाओं को अपना लक्ष्य बनाया जाता है, उन्हें दिन में सपने दिखाए जाते हैं। सच के आईने में उन्हें जब पता चलता है कि वे ठगों के जाल में फंस गए हैं, बस यही बेरोजगार युवाओं के साथ होता है। पहले आईटी कंपनियां सीधे स्नातकों का चयन करती थी जिन्होंने अपनी डिग्री और इंजीनियरिंग पूरी कर ली हो। 6 से 12 महीने तक उनकी ज़रूरत के हिसाब से ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें नौकरी दी जाती है, लेकिन कंपनियों द्वारा कर्मचारियों पर किया गया खर्च बर्बाद हो जाता है क्योंकि कर्मचारी बेहतर अवसरों के लिए दूसरी कंपनियों में जाते हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में मानव संसाधन मुहैया कराने वाली कंसल्टेंसी शुरू हो गई है। कुछ प्रसिद्ध परामर्शदाता बहुराष्ट्रीय कंपनियों में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं और नौकरी प्रदान कर रहे हैं। यह आकर्षक है कि 3 से 6 महीने के प्रशिक्षण के बाद बड़ी कंपनियों में नौकरी और नौकरी की गारंटी है। प्रशिक्षण के नाम पर प्रत्येक उम्मीदवार से 2-3 लाख की फीस ली जाती है और करोड़ों का कोई हिसाब नहीं होता है। क्राइम न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे सिटी विजन लाइव। जुर्म से जंग जारी है, सतर्क रहने की अब हम सबकी बारी है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।